ये पिछले 30 मिनट से बंद है ये फाटक। आपकी बार सुनाई दी है ना, नजदीक आ गई है। चलो नजदीक आ गई ट्रेन, आपकी बार सुनाई दी है। भैया 10 बजने वाले हैं और धुंध का हाल देखो, सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा से ज्यादा 50 फुट होगा आगे दिखाई दे रहा होगा। तो आ चुके हैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर। मेरे सामने आप देख रहे हो ज़बरदस्त धुंध, और यहाँ से करनाल, फिरोजपुर, कुरुक्षेत्र सारा का सारा। 50 रुपये किलो दे रहे, 1 किलो देना। अंदर से लाल है क्या? दोनों मिक्स दे दो। अभी बज रहे हैं कुछ ऑलमोस्ट 7 सुबह के, और धुंध देखो अभी बढ़ना स्टार्ट हुई है। धुंध ये चारों तरफ धुंध ही धुंध है। सामने जो देख रहे हो आप, ये नींबू है शायद, तक देखना पड़ेगा, मुझे तो खुद नहीं पता, देखते जाके। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वाह भैया वाह, नींबू का पेड़ ही है शायद तक। हाँ नींबू है, नींबू देखो, नींबू नींबू लगे भाई साहब। ओह और पास जाता हूँ, अब देखो। हाँ जी हाँ, नींबू है ये। ये सारा नींबू ही के, ये भी नींबू देखो, ये भी नींबू है। मौसम भी कौन से है? ये दोनों मौसम भी कहीं मौसम भी के? बस अगला भला चालू जाए अगले महीने में, तो गर्मी चालू होगा। ये चालू हो रहे भी है ना, पेड़ भी है रहे। एक बेर 200 ग्राम को बेर है कम से कम, बड़े वाले बेर आते हैं वो। हाँ 200 ग्राम को एक बेर, एक बेर है। एक किलो का 5 बेर चलेगा ये, अच्छा चलेगा। बस पानी दे रहे हैं पौधों में। ये जामुन है, सहलना का पेड़ है। ये जामुन है, ये जामुन है, वो सहलना है। ड्रम स्टिक का पेड़ है वो। ये बेल है, बेल पत्थर बोले करे वो। हाँ बेल पत्थर। बल्ली साइड में आम का पेड़ है। आम का भी है? आम का भी है। चीकू का पेड़ है। चीकू आम अंगूर का और उगा लो, बाकी क्या रहेगा। अंगूर का उगवाओ भैया। ये है, गांव में आओ तो तुमको अलग अलग वैरायटी मिलेगी, खुद उगाओ, खुद तोड़ो और खुद खाओ। ये है मजे, बने रहो। पिछले 30 मिनट से बंद है ये फाटक, ट्रेन आ ही नहीं रही। आएगी भी कैसे पता नहीं, धुंध तो देखो आप। ओहो भाई साहब, दिखाई नहीं दे रहा। अब ये नहीं पता ट्रेन यहाँ से आएगी के यहाँ से आएगी, देखते कहाँ से आती है। देखो दूर से वहाँ बहुत सारे पंछी बैठे हैं और ट्रेन अब तक नहीं आई है। हम भी वेट कर रहे हैं, अच्छा खासा वेट कर रहे हैं। ट्रेन जो है अभी
आधा घंटा लेट हो चुकी है। यहाँ से भी नहीं आ रही, यहाँ से भी नहीं आ रही। और ये भाई साहब बता रहे हैं कि ट्रेन इसी तरफ से आएगी, गंगानगर जयपुर एक्सप्रेस, श्री गंगानगर जयपुर एक्सप्रेस। और वेट करना पड़ेगा लग रहा है, धुंध बढ़ती जा रही है, देखते हैं कितना वेट करते हैं। आपको कैसे पता लगता है कि ट्रेन पास में आ गई, दूर है? नहीं पता लगता तो खाली आपके जो टाइमिंग उस हिसाब से आपको बंद कर रहे हैं ना। नो आइडिया, खाली आवाज सुनाई दे तो पता चलता है। अच्छा, इस मौसम में आवाज भी नहीं आएगी? आई आई लग रहा है। आपकी बार सुनाई दी है ना, नजदीक आ गई है। चलो नजदीक आ गई ट्रेन, आपकी बार सुनाई दी है। ये पीछे अभी ये गाड़ी आई है 30 मिनट के बाद में, अभी फुल रफ्तार से आ रही है, श्री गंगानगर जयपुर एक्सप्रेस। दिखाई दे नहीं रही है, जब पास में आएगी तो ही दिखाई देगी। अब की बार अच्छी आवाज आई। आजा आजा, हाँ लाइट भी दिखाई दी मुझे, तो पता नहीं आपको दिखाई दे रही कि नहीं दे रही। हाँ आई 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 आई। ज़्यादा बड़ी ट्रेन नहीं है, छोटी ट्रेन है। लो भैया गई, अब ये खुल जाएगा सिग्नल होगा। पहली फुर्सत में रवाना। वाह, थोड़ा गाड़ी भी आ रही है। चलो अपने भी चलते हैं। भाई साहब ट्रेन सामने से जा रही है पर दिख नहीं रही है, बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। 10 बजने वाले हैं और धुंध का हाल देखो, सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज्यादा से ज्यादा 50 फुट होगा आगे दिखाई दे रहा होगा। तो देखो सामने से जैसे भी आ रही है, और स्पीड जो एकदम स्लो, सभी ने लाइट चालू कर रखी है। बताओ ये हाल है, 10 बज रहे हैं फिर भी इतना भयंकर हाल है। वाह भैया जबरदस्त, लगता है ये तो और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब सुबह 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास कम थी, 6 बजे भी नहीं थी, फिर 7 बजे के बाद में ये धुंध जो शुरू हुई है। वाह, ये हालत देखो, ये हम पेट्रोल भरवा रहे हैं। चुके हैं राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर, मेरे सामने आप देख रहे हो जबरदस्त धुंध, और यहाँ से करनाल, फिरोजपुर, कुरुक्षेत्र सारा का सारा, और ये है राजस्थान। अपने धन्नो खड़ी है, 10:30 बज चुके हैं और धुंध देख लो आप। आपको मोबाइल में फिर भी कम दिखाई दे रही होगी, लेकिन रियल में तो ये और भी कम है। और सूरज का तो कुछ आता पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया सूरज भगवान। ये देखो खेतों में देखो आप, हाँ जबरदस्त तरीके से धुंध छाई हुई आज, मतलब फर्स्ट टाइम ये धुंध छाई हुई है, फर्स्ट टाइम। हाँ नवंबर की मतलब फर्स्ट है, इस सर्दी की पहली धुंध है ये। देखो सारे के सारे लोग अपनी गाड़ी चालू करके आ रहे हैं, लाइट चालू करके आ रहे हैं। बढ़िया बने रहो। देखो ये राजस्थान ये, और ये राजस्थान की हद पूरी हो गई, और अब ये सिंगल रोड जहाँ शुरू हो रही है ये हो गया है, अब ये हरियाणा में आ गया हम लोग।
वाइब्रेशन थोड़ा मारेगा मोबाइल, ये आ चुके हैं हरियाणा में, तो बॉर्डर ऐसे होते हैं यहाँ। ओह तो हरियाणा के अंदर भी ऐसी धुंध है भाई साहब, मेरा मोबाइल थोड़ा वाइब्रेट मार रहा है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, विजिबिलिटी यहाँ पे भी कम ही है। वाह बने रहो। हरियाणा में हो हुक्के देखकर, हुक्के देख के मालूम पड़ जाएगा अब हरियाणा में हो। आ चुके हैं लोहारू शहर में। क्या हुआ भैया? 50 रुपए किलो दे रहे, 1 किलो देना। अंदर से लाल है क्या? दोनों मिक्स दे दो। तो ये है लोहारू, हरियाणा का पहला गांव। अब अभी भी कम नहीं हुई थी वो सर्दी, और अब ये लेंगे। और यहाँ का एक नियम है हरियाणा राजस्थान का कि आप अगर किसी के वहाँ जाते हो मिलने के लिए तो उनके लिए कुछ फल फ्रूट या मिठाई लेके जाते हैं। तो अगर आपके वहाँ ऐसा नियम है तो कमेंट करके बताना, या फिर आपके वहाँ कैसा क्या नियम है, कोई ऐसा रूल है क्या, कमेंट करके बताओ। लो भैया चलो मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, ब्रेक के बाद। धन्यवाद।